तो गाइस ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर अगर घर वालों को मना लिया है कि हाँ भाई नया फोन लेना है और आपका बजट 20 से 25 हज़ार है तो आप एकदम परफेक्ट वीडियो पर आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं आपको टॉप 3 फ्लैगशिप स्मार्टफोन बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो कि बस 20 से 25 हज़ार के रेंज में आते हैं। तो गाइस अगर नॉर्मली 20 से 25 हज़ार के रेंज में अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर मिड रेंज स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जिनमें स्नैपड्रैगन 700 सीरीज के प्रोसेसर्स होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं जितने भी स्मार्टफोन बताने वाला हूँ उन सभी स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 855 या फिर स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन मिल जाएगा वो भी 25,000 के अंदर। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं सभी फोन के प्राइसेस अभी इस मंथ के हिसाब से जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी अगस्त मंथ चल रहा है और सभी फोन के यहां पर मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अगर आप यहां पर बहुत लेट वीडियो देख रहे हो तो माइट फोन के प्राइसेस कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं तो वो आप यहाँ पर चेक कर लेना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसका थर्ड नंबर का स्मार्टफोन है यहाँ पर Redmi K20 Pro। अब शुरुआत करते हैं इसके बैटरी से। तो इस फोन में आपको यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 27 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। अगर इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात की जाए ना तो 6.4 इंचेस का फुल HD AMOLED पैनल आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको यहाँ पर 6GB की रैम मिलती है और 128GB का इंटरनल मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट गाइस इस फोन का, इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर जो कि एक बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा चाहे पबजी हो या फिर मल्टीटास्किंग हो। अगर इस फोन के कैमरा सेटअप की बात की जाए ना तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है बैक में, जिसमें मेन कैमरा यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर टेलीफोटो लेंस है जो कि जूम इन के काम आता है। अगर सेल्फी की बात की जाए ना गाइस तो आपको यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि पॉपअप मैकेनिज्म के साथ आता है। अगर इस फोन की स्पेशलिटी के बारे में बात की जाए ना तो आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम है इस फोन का क्योंकि फ्रंट में आपको पूरा बेजल लेस डिज़ाइन देखने को मिलता है और बैक में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है इस फोन पर। तो गाइस ये बहुत ही एक ऑसम पिक है। अगर इस फोन के प्राइस को देखा जाए ना तो जो कि है बस 23,000, तो इस फोन के प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही तगड़े फीचर से फोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस अब बढ़ते हैं लिस्ट के सेकंड फोन की तरफ जो कि लेनोवो Z6 Pro। इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसमें आपको 6GB की रैम देखने को मिल जाती है, 128GB की इंटरनल है, 4000 mAh की बैटरी है जो कि 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसी के साथ इस फोन में भी आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर। फोन के कैमरास की बात की जाए ना तो आपको यहाँ पर बैक में मिल जाता है 4 कैमरा का सेटअप। बेसिकली मेन कैमरा है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और जो फोर्थ कैमरा है वो है यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का 3D 2F सेंसर जो कि आपको नॉर्मली सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही देखने को मिलता है। तो अगर इस फोन के फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट में आपको एक नॉच देखने को मिलती है छोटी सी जिसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा फिट किया गया है। गाइस अगर इस फोन की डिज़ाइन की बात करूँ ना तो पर्सनली मुझे इस फोन का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बैक में आपको ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है जिस पर बहुत ही अच्छे से रेड कलर के टेक्सचर्स बने हुए हैं और कैमरा में भी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे डिजाइंस देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे से प्लेस किए गए कैमरा। इस फोन में एल्युमिनियम फ्रेम है गाइस। अभी तक मैंने जितने भी फोन यूज़ किए जिनमें एल्युमिनियम फ्रेम है वो बेसिकली हाथ में पकड़ने में बहुत ही स्टर्डी और प्रीमियम फील होते हैं। अगर इस फोन की डायरेक्ट प्राइस देखोगे ना गाइस तो आपको देखने को मिलती है 26,999, लेकिन बहुत सारे बैंक के 10% के यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर है इस फोन पर जिससे कि आपको यहाँ पर ये फोन गिरेगा 24,300 के प्राइस में। तो गाइस अगर 24,300 इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये फोन आपको बहुत ही तगड़े फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस अगर आपका बजट परफेक्ट 25,000 है और आपको यहाँ पर एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए जो कि 2020 में लॉन्च हुआ है तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आप ही के लिए बना है Realme X3। इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है 6.6 इंचेस का डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और इसके साथ आपको यहाँ पर 4200 mAh की बैटरी मिलती है और कंपनी क्लेम करती है कि फोन यहाँ पर बस 55 मिनट्स में ही फुल चार्ज हो जाता है। और इस फोन में आपको यहाँ पर 6GB की रैम मिलती है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और अगर इस फोन के सबसे मेन हाईलाइट की बात की जाए ना तो इस फोन में आपको देखने को मिल जाए स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 855 से भी फास्टर है। तो इसमें आपको बहुत ही तगड़ी और इंटेंस परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर इस फोन की कैमरा डिपार्टमेंट की बात की जाए ना तो आपको यहाँ पर 4 कैमरा का सेटअप मिल जाता है बैक में, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। और फ्रंट में
भी आपको यहाँ पर ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। मेन यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और जो सेकंड है वो अल्ट्रा वाइड है फ्रंट सेल्फी में, जो कि 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो गाइस अगर इस फोन की प्राइस की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बता दिया 25,000, और इस प्राइस पॉइंट की बात की जाए ना तो आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 855 प्लस का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर और इसी के साथ फ्रंट में ड्यूअल कैमरा, बैक में 4 कैमरा, तो ओवरऑल एक बहुत ही तगड़ा पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन मिल गया होगा आपके 25,000 के बजट में। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, ऐसे नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।